लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में आज पारस गुट द्वारा मनाए जा रहे रामविलास पासवान की जयंती पर लोगों का हुजूम जुटा। इस दौरान मनेर से चलकर आ रहे एक जत्थे से जनबोल न्यूज के संवाददाता रामजी प्रसाद ने बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं पशुपति पारस गुट का यह जत्था क्यों मनेर से चलकर पार्टी कार्यालय पहुंचा है और क्या सोचते हैं पार्टी के भविष्य के बारे में। पासवान जी के चरणों में मनेर विधानसभा से आए हैं, पुष्प अर्पित करेंगे और जो प्रसाद स्वरूप प्रसाद मिलेगा उसको ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से मनेर के लिए रवाना हो जाएंगे। और माननीय पारस बाबू को हम वचन देते हैं, पारस बाबू को वचन देते हैं कि आपने जो पार्टी परम आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो विचार था डूबने के कगार पर था और आप अपना जान जोखिम में डालकर पॉलिटिक्स करियर को नहीं समझते हुए भी आपने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है, इसके लिए हम बिहार वासियों की तरफ से, मनेर वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और आपको वादा करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ऊंचाई पर जाएगा और फिर रामविलास पासवान जी का जो विचार था पूरे देश में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। जय हिंद, जय रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद।